चलते चलते किसी का पैर फिसल जाए, कोई गिर जाए, वो देखने वाले को तरस आता, उसे भाग को उठा लेता, भैया कहीं चोट तो नहीं लगी। अगर आदमी गिर जाए तो उठा लेते, लेकिन जब आदमी आदमी की नजर से गिरता है तो उसे भगवान भी माफ नहीं करते। क्यों नहीं मिला? क्योंकि तब तक श्रृंगी ऋषि को यह खबर मिली है कि महात्मा का अपमान किया है परीक्षित ने, ये तो बड़ा गलत काम कर दिया, तो उनसे ये अपमान देखा नहीं गया और कबंधल हाथ में लिया और जल लेकर के परीक्षित को श्राप दे दिया। सुनो महाराज, जिस दौलत के घमंड में फंस करके तुम महात्मा का सम्मान करना भूल गए, आज दौलत के घमंड में आकर के सारी मर्यादा के दीवार उड़ी गए, इस मरे हुए सर्प को तुम मरा समझ करके चले तो गए हो, लेकिन ये सर्प मरा तो है समाज की नजरों में, मगर ये सर्प मरे नहीं, ये सर्प आज के सातवें दिन जिंदा होगा और तुम जहां मिलोगे वही तुम्हें डसरेगा, जिससे तुम्हारी मौत में सिद्ध है, श्राप दे दिया और बोले